आज के समय में इंसान यारी नहीं निभा पाता। पहले की यारी में और आज की यारी में बहुत फर्क है। पहले की यारी दिल से लोग निभाते थे, यार के लिए जान तलक भी दे देते थे, लेकिन आज तो मतलब निकला और फिर यार ढूंढे से भी नहीं मिलता। सुनते हैं महर सिंह जी ने इस रागनी में क्या लिखा, क्या बताया। हे रे लेना एक ना दिलदार बने हांडे से, मन में घुंडी रहे पाप की, यार बने हांडे से, मन में घुंडी रहे पाप की, यार बने हांडे। करमचंद मुखिया जी, जी हाँ करमचंद मुखिया जी मोहम्मदपुर से, उनकी तरफ से इस रागनी पर खुश होकर के 1100 रुपए का पुरस्कार हमारी टीम के लिए आया है। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे, जोरदार तालियों से, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हांडी में हो खाना, ओ, उस हांडी में छेद करे जिस हांडी में खाना। हर मिल के यार ते दगा करे रे, मिल के यार ते दगा करे, पत्कार घने हांडे से, मन में गुंडी रहे पाप की, यार बने हांडे से, हो यार बने हांडे से।
कुएं और जल जैसी यारी करनी चाहिए, महाराणा प्रताप और भामा साहब बनिए जैसी यारी करनी चाहिए। लेकिन आज वो यारी नहीं रही प्रेमी श्रोताओं, पहले कैसी यारी होती थी क्या बताया। सच बोल रहा है इंसान, अपने घर पे बैठा रहेगा और यार को किसी चीज की जरूरत है तो यार का फोन पहले तो उठाएगा नहीं, और उठा भी लिया यार का फोन तो ये कह देगा भाई मैं तो यहाँ है ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत दूर हूँ, कई घंटे आने में लगेंगे, तेरा टाइम खराब हो जाएगा, तेरा वो काम खराब हो जाएगा जिस काम की तुझे जरूरत है। ये फोन ऐसी चीज चला दी कि झूठ पे झूठ बोलता है इंसान। इसीलिए कहा कि अगर कोई सच्चा यार हो, सच्चा मित्र हो और वो भी झूठ बोले तो इस दिल में बहुत बड़ा घाव होता है। क्यों करबला बालकपण ते चाह से कहे महर सिंह।